नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू पिच गेज के बारे में। जो स्क्रू पिच गेज होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये काम क्या करती है, इसको जो ये नाम दिया गया है ये क्यों दिया गया है। देखिए, स्क्रू पिच गेज है इसको जो नाम दिया गया है क्योंकि जो हमारे स्क्रू होते हैं, यानी कि जो हमारे वर्कशॉप्स के अंदर यूज होते हैं स्क्रू नट या बोल्ट, जो हमारे इस तरह के होते हैं, तो बाहरी चूड़ी या नट के अंदर की चूड़ी की पिच को ज्ञात करना, पिच को मापना, तो उसको बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। कि जिस गेज की हेल्प से हम किसी स्क्रू की पिच को माप सकते हैं उसको स्क्रू पिच गेज बोलते हैं। तो स्क्रू पिच गेज के थ्रू हम क्या माप सकते हैं, एक तो हम पिच माप सकते हैं, दूसरा थ्रेड पर इंच भी माप सकते हैं कि 1 इंच के अंदर कितनी चूड़ियां हैं, तो ये भी हम माप सकते हैं। जब भी कोई ऑपरेटर वर्क करता है वर्कशॉप के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, उससे मान लीजिए कोई नट या बोल्ट खराब हो गया, तो उससे क्या होगा, अगर वो दूसरा नट या बोल्ट चूज करता है तो इस गेज की हेल्प से वो उसकी जो पिच है या थ्रेड पर इंच को चेक कर लेता है, उसके कोण को चेक कर लेता है, कितने एंगल पे जो उसके थ्रेड है उसको भी चेक कर सकते हैं, तो उनको चेक करने के बाद वो उसको यूज कर सकता है। इसी तरह से अगर हम लेथ मशीन के ऊपर मान लीजिए कोई थ्रेड काटते हैं, तो उस थ्रेड को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। तो स्क्रू पिच गेज क्या है, पिच को मापने के लिए या थ्रेड पर इंच को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए कितने एंगल पे है, तो उसके लिए स्क्रू पिच गेज का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह की होती है, इसके अंदर होता है एक होल्डर, इसको हम होल्डर बोल देते हैं, और दोनों किनारों पे इसके स्क्रू के थ्रू, यहाँ पे स्क्रू लगा है और यहाँ पर भी स्क्रू लगा है, स्क्रू के थ्रू ये पत्तियां इसमें लगी होती हैं, स्टील की पत्तियां होती हैं, तो इस तरह से ये लगी होती हैं। हर एक पत्ती के ऊपर एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो हर एक पत्ती के ऊपर एक नंबर होता है जो कि क्या दिखाता है, या तो पिच दिखाएगा कि पिच कितनी है जो हमारा जो थ्रेड कटे हैं उसकी, या फिर दिखाता है कि थ्रेड पर इंच कितने हैं, 1 इंच के अंदर कितने थ्रेड हैं, तो वो कुछ भी अलग अलग पद्धति के अनुसार इसका हम यूज करते हैं। तो इनके ऊपर इस तरह से अलग अलग जो नंबर होते हैं, तो अलग अलग पिच के अनुसार इनको बनाया जाता है, इनको एक स्क्रू की हेल्प से लगा दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे विधि दिखाई गई है कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह का आपके पास कोई स्क्रू है, या कोई इस तरह का आपके पास बोल्ट है, तो आपको इसको पिच आपको इसकी ज्ञात करनी है कि कितने पिच की है या थ्रेड पर इंच कितने हैं। तो आप इसको कोई भी जो सुटेबल होगी तो इसके साथ इसको लगाएंगे जो बिल्कुल मैच कर जाएगा इस तरह से, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इसकी जो पिच है वो कितनी है या कितने एंगल पे है जो ये है। तो इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, कोण भी निकाल सकते हैं, पिच भी निकाल सकते हैं, थ्रेड पर इंच भी निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो ये हमारे पास दो पद्धति के अंदर हम इसका यूज करते हैं, एक तो मैट्रिक पद्धति है और दूसरी इंग्लिश पद्धति है। तो मैट्रिक पद्धति जो है उसके अनुसार इसके अंदर 24 पत्तियां होती हैं। अगर हम मैट्रिक पद्धति की बात करें तो 24 पत्तियां होती हैं इस तरह की, उनके ऊपर नंबर होते हैं जो कि माप सकते हैं हमारे 0.25 mm से लेके 6 mm तक की पिच को माप सकते हैं। तो इतने पिच के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं अगर हमें mm में मापना है। अगर हमें थ्रेड पर इंच में मापना है, ये तो था कि हमने पिच मापनी है, अगर हमें टीपीआई निकालना है यानी कि थ्रेड पर इंच निकालना है, तो उसके लिए हम इंग्लिश पद्धति का यूज करते हैं, इंग्लिश सेट का यूज करते हैं। तो इसके अंदर जैसे 24 इसके अंदर पत्तियां थी, उसके अंदर होती हैं 30 पत्तियां, तो इसके अंदर 24 पत्तियां थी जो हमारा मैट्रिक सिस्टम था, और ये है इंग्लिश सिस्टम या इंग्लिश सेट हम इसको बोले, तो इसके अंदर होती हैं 30 पत्तियां। 30 पत्तियां इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू हम 4 से लेके जो हमारे 42 है यानी कि 42 चूड़ी प्रति इंच तक की हम माप सकते हैं, थ्रेड पर इंच माप सकते हैं। तो इंग्लिश सेट अगर हम यूज करते हैं तो 4 से लेके 42 चूड़ी तक हम माप सकते हैं कि 1 इंच में कितनी चूड़ी है, 4 है, 5 है, 42 तक इस तरह से माप सकते हैं। और इसके अंदर 30 पत्तियां लगी होती हैं, जैसे ये लगी हैं पत्तियां तो ये 30 होती हैं। इसी तरह अगर मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर 24 पत्तियां लगी होती हैं, उनके थ्रू हम पिच माप सकते हैं, थ्रेड पर इंच नहीं पिच। पिच हम कितनी माप सकते हैं, 0.25 mm से लेके 6 mm तक की हम पिच माप सकते हैं। तो इसलिए जो स्क्रू पिच गेज है काफी अच्छा हमारा टूल है, जो मेजरमेंट टूल है, जिसके थ्रू हम पिच माप सकते हैं या थ्रेड पर इंच माप सकते हैं।
तो ये थी स्क्रू पिच गेज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।